यूपी के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है कि अब आगरा झांसी की मेयर सीट एससी रिजर्व होने को लेकर भी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर कर यूपी में मेयर आरक्षण को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने पहले ही 20 दिसंबर तक राज्य में चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है। एक और याचिका ने प्रदेश भर में मेयर दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हाईकोर्ट में नई याचिका दायर करने वाले राजकुमार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता होने के साथ संविधान बचाओ ट्रस्ट के संयोजक भी हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में अनुसूचित जाति का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में चक्रानुक्रम में लागू करने का प्राविधान है, जबकि आगरा और झांसी में बार बार मेयर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इससे आगरा और झांसी में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लोग महापौर नहीं बन पा रहे हैं। एडवोकेट राजकुमार का यह भी कहना है कि लंबे समय से सरकारें आरक्षण के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। आगरा में मेयर सीट सिर्फ 1989 और 2017 में ही अनारक्षित रही, अब वहाँ फिर से महापौर कैटेगरी एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। इसी तरह झांसी में मेयर पद 20 वर्ष में से 15 साल एससी के लिए आरक्षित रहा है। इसके बाद भी झांसी में फिर से मेयर पद एससी के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी और सहारनपुर में मेयर सीट कभी एससी आरक्षित नहीं रही है, इस बार भी इनको एससी कोटे में नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता ने वाराणसी व सहारनपुर को एससी रिजर्व करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने अपनी आपत्ति शासन में दर्ज कराई थी, मगर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना व्यक्त की गई है। यहां बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले दिनों यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक बढ़ाकर 20 दिसंबर तक कर दी थी। याचिकाकर्ता ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए 3 दिन का समय दिए जाने की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। ओबीसी आरक्षण मामले में याचिकाकर्ता का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार 13 परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती, उस समय तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरोप है कि औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि 5 दिसंबर की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है। इस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं। याचिकाकर्ता अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है। पहले ओबीसी आरक्षण और अब एससी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने से चुनावी दावेदार टेंशन में नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। नगर निगम चुनाव 2022, फिर खड़े होंगे चुनाव में उम्मीदवार। जनता किसके गले में डालेगी जीत का हार?